फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है, ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। जब मजदूर सड़क पर था तो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो दो बार झूठ बोला। भारत में पिछले दिनों काफी कुछ घटा है जिसको लेकर सरकार पर उंगलियां भी उठ रही हैं। आज हम सरकार द्वारा दिए कुछ बयानों का विश्लेषण करेंगे जो बाद में झूठ निकले। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सौज को लेकर सरकार द्वारा बोले झूठ पर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोर्ट से कहा कि कांग्रेसी नेता ना तो हिरासत में है और ना ही उन्हें नजरबंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर के विशेष सचिव गृह की ओर से दायर हल्फनामे में कहा गया था कि सौज ना तो नजरबंद हैं और ना ही उन्हें हिरासत में रखा गया है। अब सौज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने घर से पत्रकारों से बात कर रहे हैं और उन्हें एक अधिकारी पत्रकारों से बात करने में रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने कहा जा। अगर वो नजरबंद नहीं है तो उन्हें पत्रकारों से बात करने से क्यों रोका जा रहा है और घर से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा। ऐसे ही अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाने जाने के ऐलान के बाद जब संसद में फारूक अब्दुल्ला पर टिप्पणी हुई तब अमित शाह ने कहा था कि ना ही उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, ना ही उन्हें कहीं जाने से रोका गया है। मैंने 3 बार क्लियर किया मगर बार बार ऑपोजिशन ने मुद्दा कह रहा है फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात कर लीजिए सर, उसने टेलीविजन पे कहा है कि उसे बाहर जाने को इजाजत नहीं दे रहे आप लोग। सर जाइए, समय को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूँ, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। जब पत्रकार वहाँ पहुँचे तो फारूक ने बालकनी से पत्रकारों से बात की और अमित शाह के बयान का झूठ बताया। होम मिनिस्ट्री इज लाइंग इन द पार्लियामेंट दैट आई एम नॉट हाउस अरेस्टेड, दैट आई एम सिटिंग इन द हाउस इनसाइड ऑफ माय ओन विल। You think I will stay inside my house of my own will? While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. My India is a democratic India, secular India for all, whatever your religion, whatever your region. As soon as the gates will open, our people will be out. We will fight, we go to the court. We are not gun runners. जब चाइना और भारत के विवाद में सैनिक शहीद हुए तब ये न्यूज आ रही थी कि चाइना हमारी सीमा में घुस आया है। तब मोदी जी ने देश को संबोधन किया और उन्होंने कहा कि भारत की सीमा में कोई नहीं आया है, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पर रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने भारत की सीमा में कब्जा किया हुआ था और अगर वह घुसे ही नहीं थे तो समझौते के बाद वह कुछ कदम पीछे की तरफ क्यों गए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चीन अभी भी कुछ इलाकों में हमारी सीमा में ही है और पीछे नहीं हट रहा। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए, भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लद्दाख में 2.5 किलोमीटर चीन पीछे हट गया है। लद्दाख में तनातनी कम करने के लिए दोनों ही देश राजी हुए हैं। भारत चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत
हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नाउ ऑफ चाइनीज ट्रूप्स पॉसिबली पुलिंग बैक 2 kilometers फ्रॉम द साइट ऑफ द गलवान वैली। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज अपडेट दैट वी आर गेटिंग। According to government sources, there has been a pullback. Temporary structures are being removed by both sides. लद्दाख में भारत और चीन तीन जगहों से पूरी तरह से पीछे हटे हैं, ये बहुत बड़ी अपडेट है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद दोनों देश गतिरोध खत्म करने पर राजी हो गए। सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि चीन के सैनिक गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग से पीछे हट गए हैं। अब सिर्फ पैंगोंग झील के पास फिंगर इलाकों में ही चीन के सैनिकों की मौजूदगी है। लॉकडाउन के बाद जब देश में मजदूरों का पलायन हुआ, तब सरकार लगातार ये कह रही थी कि देश में स्थिति नॉर्मल है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने न्यूज अपने शो न्यूज क्लिकिंग में सरकार द्वारा मजदूरों के मुद्दे पर भोले झूठ के बारे में बताया। जब कोरोना संकट के बाद जब मजदूर सड़क पर था, तो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो दो बार झूठ बोला। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था, आइए इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। याद है खबर आपको, जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इस वक्त सड़क पर एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है और हमने 23 लाख मजदूरों को मदद मुहैया कराई है, और आप जानते हैं कि यह सरासर झूठ था, क्योंकि सड़क पर न सिर्फ मजदूर चल रहा था बल्कि वो मर रहा था, उसके बच्चे मर रहे थे, ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी। ये होते हैं गिद्ध, और कल एक बार फिर आपने ये प्रमाणित किया है कि आप गिद्ध हैं अदालत के सामने, क्योंकि अब तक आपके प्रवक्ता क्या कह रहे थे, आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जो गरीब मजदूर अपने घर जा रहा है हम उससे पैसे नहीं ले रहे हैं, जबकि ढेरों मिसालें थी जहां गरीब को टिकट के पैसे देने पड़ रहे थे। ये थे सरकार द्वारा बोले कुछ झूठ, और मीडिया ने भी इसे नहीं पकड़ा और ना ही इस पर कोई डिबेट की। हम उम्मीद करेंगी कि सरकार देश को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देगी और जनता को झूठ बोलना बंद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.